नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट ओरिगामी वीडियो नंबर 6। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ओरिगामी कैमरा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ओरिगामी कैमरा। तो ये आप देख सकते हैं, यह है ओरिगामी कैमरा, जिसको अगर हम दबाते हैं तो एक फ़ोटो खींचने की आवाज़ होती है। तो इसको हम आज सीखने वाले हैं वीडियोज़ में। तो ये एक ईजी लेवल ओरिगामी है। आपको पता होगा मैं 3 लेवल में कैटेगराइज करता हूँ, ईजी, एवरेज और हार्ड। तो ईजी लेवल ओरिगामी है। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में इस कैमरा को बनाना सीखने। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को शॉर्ट्स ओरिगामी, ऐसे ही फ्यूचर वीडियो क्रिएशन अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो टू द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं ओरिगामी कैमरा बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक डीप येलो ओरिगामी स्क्वायर शीट लिया है। आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए वो स्क्वायर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं उल्टी साइड से, वाइट साइड से। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम अपसाइड डाउन फोल्ड्स कर लेंगे या रेक्टेंगुलर फोल्ड्स। तो पहले हमने ये एक फोल्ड कर लिया है, खोलेंगे उल्टी साइड से, दोबारा फोल्ड कर लेंगे। तो जब खोलेंगे तब हमको 4 स्क्वायर्स मिल जाएंगे या फिर 2 एपिक पीस मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको, ये देखिए, ये और ये जो क्रीज है, एक स्क्वायर है मतलब, उन दोनों को हमें मिला के एक ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। ऐसे ऐसे ही हमको चारों साइड में करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने कर दिया है यहाँ पे चारों साइड्स को फोल्ड, कुछ ऐसा आपका दिखेगा पेपर। अब इसके बाद हम फोल्ड कर लेंगे इसको दोबारा। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक एक एज लेंगे, एक एक साइड लेंगे, कॉर्नर लेंगे रदर, और इसको यहाँ तक मिलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मिलाएंगे रदर। ये देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ तक हम मिलाएंगे। तो इसको हमने मिला दिया, और अब हम इसको मिलाएंगे, सिमिलरली हम इसको मिलाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट तक मिलाना है, ट्रायंगल्स अपने आप बन जाएंगे। इसको मिला दें, तो देखिए हमने मिला दिया सबको। तो ऐसा कुछ आपका पेपर दिखेगा। अब हम इसको दोबारा फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमको यहाँ पहले से ही 4 स्क्वायर्स मिले हैं। तो कुछ नहीं करना है हमको, इन चारों स्क्वायर्स के ऊपर दोबारा हमको ट्रायंगुलर फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ कर दिया है, यहाँ भी कर दिया है, यहाँ भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा पेपर फाइनली कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हमने ये स्टेप 3 बार रिपीट किया है, जैसे कि मैं आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। इसको उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऑपोजिट 2 एजेस को हम क्या करेंगे, हम इसको खोल के थोड़ा सा ऐसे हम शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ये ऐसे था, तो हमने थोड़ा सा इसको खोल के मैंने शेप दे दिया है। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा खोल के शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने थोड़ा सा खोल के शेप दे दिया है। तो अब देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा इसको खोल के शेप दे दिया है। अब जो 2 एंड बचे, मतलब ये जो ये वाला और ये वाला एंड जो बचा, इसको हम थोड़ा सा पुल करेंगे अपनी तरफ, इसको और इसको, और हम थोड़ा सा इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम, ये देखिए ऐसा बन चुका है हमारा जो ओरिगामी क्रिएशन है या फिर ओरिगामी पेपर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें उल्टा करना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, देखिए उल्टा करने के लिए ऐसा करना है आपको बस सिंपली, और उल्टा कर देना है। तो उल्टा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, जो पुराने ज़माने में पतलून होते थे वैसे टाइप का कुछ आपका दिखेगा ही। तब क्या करना है, इसको खोल के अपसाइड डाउन कर देना है। तो हमने अपसाइड डाउन कर दिया है, और याद रहे कि ये दोनों जो एजेस ओपन किए थे ये दोनों ऐसे रहने चाहिए। अब क्या करना है, अब देखिए हमारे पास 2 फ्लैप्स हैं। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, अब इसको हमें ओवरलैप करना है। तो ये कैमरा का मेन पार्ट है, वरना कैमरा अच्छा नहीं बनेगा। तो ये दोनों को मैंने यहाँ पे ओवरलैप कर लिया है। ओवरलैप करने के बाद जस्ट देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग एजेस हैं, इनको बस यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देना है। कर दिया हमने फोल्ड, तो बस हमारा कैमरा जो है एकदम रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक उठा हुआ एज मिलेगा, ये उठा हुआ साइड मिलेगा। इसमें क्या करना है, इस पर जस्ट थोड़ा सा हमें लगाना है प्रेशर। तो आपका कैमरा जो है बिल्कुल कैमरा वाली साउंड होगा, और आपको लगेगा कि आपने एक फ़ोटो खींचा जो कि हमने पेपर से बनाया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा खिलौना है, आप बना सकते हैं घर में, इसे आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया अपनी वीडियो में। तो आज वाली वीडियो यही तक, और आपसे मिलता हूँ अगली क्रिएशन में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू शॉर्ट्स ओरिगामी, ऐसी फ्यूचर ओरिगामी क्रिएशन वीडियो अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद।